तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि फिलहाल में हरियाणा में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के हड़ताल जारी है और सरकार ने बहुत सारा गलत नीति भी अपनाया आशा कार्यकर्ताओं को कमजोर करने के लिए। तो इसी में एक वीडियो सामने में आया है। सभी आशा वर्करों का ये कहना है कि 33 दिन हो चुके हैं हमारे हड़ताल को, लेकिन सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हम भी अपने जीत पे अड़े रहेंगे और जीत हासिल करेंगे। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हड़ताल तोड़ेंगे नहीं, सरकार को झुका के रहेंगे और अपना जो भी मानदेय का जो मांग है उसको हम पूरा करके रहेंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े। तो इसी में एक वीडियो सामने में आया है, देखिए आशा वर्कर क्या कह रही है। और जो आज आशाएं 33 दिन से हड़ताल कर रही हैं, ये कोई शोक में चाव में नहीं कर रही हैं। जनता पीड़ित हो रही है, टीकाकरण का काम, डिलीवरी का काम बाधित हो रहा है, लेकिन सरकार इनसे 70-80 काम लेती है, 12-13 कामों का मेहनताना देती है। ये बहुत अन्याय है और इसमें से भी इनका जहाँ 1,500 रुपया महीना किराए भाड़ों में लगवा दिया जाता है, 24 घंटे काम लिया जाता है इनसे, इनको बेगार मतलब बेगार ली जा रही है। तो इनको अपने काम का मेहनताना दिया जाए, आशा वर्कर को हेल्थ वर्कर का दर्जा दो और न्यूनतम वेतन 26,000 दो। और इनकी जो सेवाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है और ये सरकार स्वास्थ्य विभाग का बट्ठा बठियारी है। आज हम देखते हैं पीएससी में सीएससी में अस्पतालों में पूरे डॉक्टर नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, टेस्टिंग मशीनें नहीं है, दवाइयां नहीं है, बिल्डिंग बनाने से कोई इलाज नहीं होगा। आज ये नकारा बना दिए हैं। एक आयुष्मान स्कीम ली आई है सरकार, उसमें कहते हैं 5,00,000 का इनाम फ्री होगा बीपीएल परिवारों के लिए, लेकिन उसमें बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है, घपलेबाजी हो रही है, मरे हुए मरीजों के नाम पर भी क्लेम किए जा रहे हैं मिलकर के। तो ये स्वास्थ्य सुविधाएं जिस देश की नकारा है, शिक्षा का ढांचा खराब है, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और इन दोनों संस्था दोनों चीजों को ये सरकार बर्बाद कर रही है और केवल अपने पूंजीपति मित्र इनको दिखाई देते हैं। तो आज प्रदर्शन को किया गया, आज प्रदर्शन किस है? आज प्रदर्शन जी जो हमारी हड़ताल, हम 8 अगस्त से हड़ताल पर बैठे हैं और बिल्कुल कलम बंद हड़ताल पे बैठे हैं। आज 33वां दिन निकल चुका है, लेकिन ये सरकार ऐसी गंदी सरकार है जो आज तक इन्होंने बात करके कोई तो मसले के बातचीत करके सुलझाने की कोशिश नहीं की है। उसी का विरोध करते हुए हमने अपने रोष प्रकट किया है, कट का मतलब उपका है जगह जगह ये भी, और अब आगे आने वाले टाइम में हम अपना आंदोलन और तेज करने वाले हैं, क्योंकि ये सरकार ऐसे बातचीत से हल्के मूड में नहीं है। और इसीलिए हमें अपना जगह जगह गांव में, आज तो हमने यहाँ पर अपना सीएचसी गुल्ला पर फूका है और अब गांव गांव में भी यही फूकेंगे। का जो कि 8 अगस्त से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं लघु सचिवालय कैथल, तो आज हमारा 33वां दिन है आशा वर्करों का, जो कि बिल्कुल सरकार सोई पड़ी है, बिल्कुल उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि हमने इसलिए आज पुतला दहन किया है कि हम जगह, आज तो हमने ये इस कार्यालय में साड़ा है, पुतला जलाया है, तो हम गांव-गांव में भी पुतला जलाएंगे। हमारी जो स्टेट कमेटी का आह्वान है कि हम गांव-गांव में इनके पुतले जलाकर सरकार के अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम 32-33 दिन हो चुके हैं और सरकार बिल्कुल भी हमारे बारे में बातचीत करने के मूड में नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि समय रहते ही सरकार जाग जाए, हमारी बात को मान ले, नहीं तो इनको भुगतान जो भुगतना पड़ेगा वो बहुत गलत होगा। जो मांगे हैं कि एक तो 2018 की जो हमारी पेंडिंग पड़ी मांगे हैं वो हैं, और दूसरा हमारा अब एक ही मांग है 26,000 न्यूनतम वेतन आशा वर्कर को दिया जाए, क्योंकि काम करना 24 घंटे की ड्यूटी है आशा वर्कर की, और बिल्कुल ही जो तनख्वाह है वो हमारी बिल्कुल कम है। हम सरकार से यही मांग रहे हैं, कोई कुर्सी राजबाग नहीं मांग रहे, हम अपनी मेहनताना मांग रहे हैं, ना कि हम सरकार से कोई भीख मांग रहे हैं। हम काम करते हैं 24 घंटे, इसलिए हमें 26,000 न्यूनतम वेतन चाहिए। सरकार द्वारा यदि मांगे नहीं मानी गई तो अगली क्या गतिविधि रहेगी? अगली जो गतिविधियां हमारी जो स्टेट कमेटी का आह्वान होगा, हम पूरे रोहतक हरियाणा इकट्ठा होगा, तो उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा और निर्णय बहुत ही ठोस लिया जाएगा। अब आर पार की लड़ाई है, सरकार को हम यही कहते हैं कि समझ लो, सोच लो, समय रहते, नहीं तो बहुत जैसी हमारी लड़ाई होगी आमने सामने की लड़ाई होगी।
तो अभी आपने जो वीडियो देखा, वीडियो देख करके आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। अब जो भी नया अपडेट आएगा आशा वर्करों से रिलेटेड, तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई न्यू वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में बताना क्या आप भी तैयार हैं अपने जीत को हासिल करने के लिए। तो फिर मिलते कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।